नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। जिंदगी की चुनौतियों का मुकाबला कर पाना हर इंसान के बस में नहीं होता। कुछ इनके आगे घुटने टेक देते हैं और कुछ अपने रास्ते बदल लेते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन चुनौतियों को अपनी ताकत बनाकर नई भारत लिखने की हिम्मत दिखाते हैं। ऐसी ही शख्सियत है PPS ऑफिसर ऋचा अग्निहोत्री। ऋचा बताती हैं कि जेम्स ब्रदर्स के मामले में उन्हें विधानसभा में पेश होना पड़ा, इसके बावजूद उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, रूल्स तोड़ता पुलिस अफसर मिलाया। पंजाब के पूर्व CM बादल की बस ACP ने सबका चालान कटवाया। पंजाब के कई विधायकों, MP और अन्य कई वेलपीच की ओर से अपनी गाड़ियों पर हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर अवैध तौर पर लगाई पीली और नीली बत्तियों को ऋचा ने उतरवाया और चालान काटे। एक बार जब MLA की गाड़ी पर लगे स्टिकर उतरवा दिए तो शिकायत विधानसभा स्पीकर तक पहुंची। ऋचा को DTO गर्ग के साथ विधानसभा में भी पेश होना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन्फोर्समेंट कम नहीं होने दी, यहाँ तक कि रात में ड्रंकन ड्राइविंग के लिए खुद नाके लगाए। यही कारण रहा कि लुधियाना के लोगों के बीच वह लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हुई। ACP ऋचा अग्निहोत्री का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर समाज की बेहतरी के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है।